प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेशंधनम। सोहम सुरती समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मद्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणदायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋचिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि दन धामे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरी खा वरुण धर्म राजावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटिया धारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटिया धारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीशे गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो वहां जाऊं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं
जो देव सुख सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु कर सु होए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार अरि सुमरे वो वार है गुरु सुमरे हो पार जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी होए कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलाते आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं तुम्हारे भी सारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव बिरंत मुनि नारद तिनके हृदय न सम अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी हारे बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार अब गुण मेरे बाप जी बख्शो ग्रीव नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बोहरे पिता को लाज मैं अपराधी जन्म का नक सिख बड़े विकार तुम दाता दुख बंजना मेरी करो संभार सूरत करो मम साईया हम हैं भव जल माही आप ही बह जाओगे जो तुम न पकड़ोगे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी तोड़े जैसे कागज जहाज का सूजत और न ठोरे परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं ये हमारे पिता हैं पुण्यात्माओं आप जी का सौभाग्य है कि आप जी को परमात्मा की ये कथा सुनने को मिली ये समय भी परमेश्वर कबीर जी द्वारा ही आपको ये बख्शीश करवाया गया है परमात्मा कबीर देव जी हमें ये ज्ञान कराने के लिए सतलोक से चलकर आते हैं
कि आप जी यहां गलत स्थान पर रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं है, यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता, इस लोक की ऐसी व्यवस्था है यहां कोई भी सुखी नहीं रह सकता, और सबकी मृत्यु होती है, जन्म भी होता है। फिर परमेश्वर ने हमें बताया कि आप यहां के रहने वाले नहीं हो, यहां तो आप अपने किए हुए कर्म की सजा भोगने आए हुए हो। यहां इस काल भगवान अर्थात ब्रह्म के विधान अनुसार तो आप जी अपना सुख और दुख दोनों का मिश्रण यहां पर भोग रहे हो। परमेश्वर के विधान अनुसार यहां कोई सुख नाम की वस्तु नहीं है, आप जी केवल यहां दुख भोगने के लिए ही यातना सहन कर रहे हो। पुणात्माओं, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं था कि हमारा कहीं और ठिकाना है, तब तक तो हमें यही फाइनल लगता था, अंतिम व्यवस्था यही थी कि संतान होगी, संतान की फिर परवरिश करेंगे, इनका विवाह करेंगे, फिर भगवान इनको संतान देवे, फिर हमारी मृत्यु बेशक हो जावे, नो प्रॉब्लम। हमने केवल इतना ही मान रखा था, और जहां तक कोई आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला हमें मिला, कोई संत ऋषि मंडलेश्वर या कोई महंत, उन्होंने हमारे को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को ही सुप्रीम पावर बता दिया, इन्हीं को सर्वेश्वर पूर्ण परमात्मा मृत्युंजय कालज्ञ सर्वज्ञ और यही सारी सृष्टि के मालिक, ये ज्ञान हमें बता दिया। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा को चाहने वाली थी, वो उन नकली गुरुओं के द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा बताए गए लोक वेद के आधार से इन्हीं भगवानों तक सीमित रहे, और जिस कारण से कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका। हम यहीं पर जन्म और मृत्यु के विधान अनुसार कर्मों का जैसा भी किया हुआ कर्म आपको भोगना पड़ता है, इस विधान अनुसार हम इस काल के ही लोक में जन्मते मरते रहे, और जब तक जन्म और मृत्यु है तब तक कोई प्राणी सुखी नहीं हो सकता। जब तक ये प्राणी इस काल के लोक में है, इस काल के अर्थात ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, 21 एक ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं, ऐसे ऐसे 20 ब्रह्मांड अन्य हैं और हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें 14 लोक हैं, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक जिन पे प्राणी हैं, ये उन 14 लोकों से अन्य हैं। इन 3 लोकों के ऊपर पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इनके ऊपर इन तीनों प्रभुओं का अधिपत्य है। ब्रह्मा रजोगुण है, विष्णु सतोगुण और शिव तमोगुण है। इन तीनों भगवानों का एक एक विभाग है, प्रभुओं का, स्वामियों का, प्रभु कहो, स्वामी कहो, इनको राम कहो, ये एक एक विभाग के स्वामी हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी इन 3 लोकों पर, इन इस ब्रह्मा जी का
अपना प्रभुत्व है, केवल एक विभाग के मिनिस्टर हैं, और श्री विष्णु जी जो सतोगुण हैं, इनका भी तीनों लोकों में एक एक विभाग का अधिपत्य है। इस तमोगुण विभाग के ये स्वामी हैं, मिनिस्टर हैं, इन तीन लोकों पर इनका स्वामित्व है। और तमोगुण श्री शिवजी हैं, इनका भी इन तीन लोकों के ऊपर पृथ्वी लोक, एक स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक, इन तीन लोकों के ऊपर भगवान शिव जी भी एक विभागीय मिनिस्टर हैं। बाकी जो शेष 14 लोक इनसे भिन्न हैं, और ब्रह्म लोक है, उस ब्रह्म लोक के अंदर इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने एक ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है जहां ये केवल स्वयं ही रहता है और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है। उस स्थान पर अन्य कोई भी प्राणी नहीं जा सकता, इसने अपनी शक्ति से ऐसी व्यवस्था कर रखी है, सिद्धि से। एक ब्रह्मांड के अंदर ये इनका पिता जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का, ये एक ब्रह्मांड का मुख्यमंत्री समझो। ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये विभागीय मंत्री समझो। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस ब्रह्म के, जिसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, जिसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। जो श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबको खाने के लिए आया हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इन सबको नाश कर दूंगा। पुणात्माओं, अभी तक हमें अध्यात्म ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि आध्यात्मिक जो ज्ञान है ये बहुत ही जो है जटिल है। जटिल किसके लिए है? जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है। जिसके पास तत्व ज्ञान है ये बहुत ही आसान है। अब जैसे अभी तक सभी ये कहा करते थे कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, श्री कृष्ण जी वहां विद्वान अवश्य थे, लेकिन उस श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके जैसे प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे इस काल ने यो गीता जी का ज्ञान सुनाया और साथ में युद्ध करवाया डरा दमका के। पुण्यात्माओं, यदि हम श्री कृष्ण जी के द्वारा ये ज्ञान बोला हुआ माने तो श्री कृष्ण जी तो बहुत ही सतोगुण यानी नेक आत्मा थे, विष्णु जी वाली आत्मा ही श्री कृष्ण रूप में अवतरित थे। भृगु ऋषि ने श्री विष्णु जी के छाती में सीने में लात मार दी थी तो भी भगवान क्रुद्ध नहीं हुए थे। ये इतने सहनशील व्यक्ति हैं, ऐसे सहनशील प्रभु हैं। और फिर वो ये कहे, अर्जुन मना करता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, और श्री कृष्ण जी कहे तो युद्ध कर ले, यानी ज्ञान से नहीं माना तो फिर डरा धमका के ऐसा विकराल रूप दिखा के युद्ध करवा कर ही छोड़ा। तो श्री कृष्ण जी का इसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को समझना जन साधारण के बस की बात नहीं। स्वयं परमेश्वर आते हैं, कबीर देव जी वो सर्व सृष्टि रचनहार, वही हमें बताते हैं। तो ये काल जो है ये ब्रह्म है। अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं
वो यही कहते आए हैं कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म सर्वोच्च भगवान है। अब श्रीमद् भगवत गीता हमारा एक पवित्र और प्रमाणित सदग्रंथ है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में और 16 और 17 में तीन प्रभुओं की, तीन ब्रह्म की स्थिति बताई है। गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने जो अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति उस तत् ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से जो परिचित है, वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जो तत् ब्रह्म से परिचित है और संपूर्ण अध्यात्म से परिचित है और जो सभी कर्मों से परिचित है, वो साधक केवल जरा और मरण, जरा मीन वृद्ध अवस्था बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, इनसे छूटने का ही प्रयत्न करता है और यहां संसार की कुछ भी वस्तु नहीं मांगता। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा, फिर भगवान किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। अब वो तत्ब्रह्म है क्या, तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ये काल उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये ऋषि महर्षि केवल संस्कृत जानते थे, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जानते थे, और हम इनको विद्वान इसलिए मान बैठे कि ये संस्कृत भाषा जानते हैं, इसलिए इन्होंने सदग्रंथों को सही समझा है। और ये जो हमें हमारी भाषा में, जो भी किसी भाषा से परिचित है, उस भाषा में जो ये अनुवाद करके हमें सुना रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, ये सही है और सदग्रंथों का है। लेकिन बात इसके विपरीत थी, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे लेकिन सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि तीन परमात्मा हैं और पूरे संसार रूपी वृक्ष का विवरण दिया है। जैसे परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के यह ज्ञान दिया था गीता जी वाला अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, लेकिन इन नकली ऋषि महर्षि और गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हमें स्वीकार्य नहीं होने दिया, ये कहकर के कि कबीर जी अशिक्षित है और ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। उस समय परमात्मा कहा करते थे कि निरंजन धन तेरा दरबार, जातनिक निन्याय विचार, कहे कबीर सुनो विसादो, या सब उल्टा व्यवहार और सत्य को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। परमेश्वर उसी समय कहा करते थे कि ये झूठे हैं, ये ऋषि महर्षि तुम्हारे गुरु ब्राह्मण, इनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते, ये स्वयं भी दुखी है। तो इस बात का विरोध किया करते थे, कराया करते थे, कौन वो नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि और महर्षि, कि कबीर जी ये झूठे हैं, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, सदग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, जबकि सदग्रंथों के अंदर तो पूर्ण प्रमाण है ये कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता का नाम लिखा है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। गीता अध्याय नंबर 15 के पूरे विवरण को एक सेंटेंस में, एक अमृतवाणी में, एक श्लोक में, एक दोहे में मालिक ने बोल दिया, कोड वर्ड है ये।
तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, और जो संत संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि वह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है, वो है वास्तव में विद्वान पुरुष। तो परमेश्वर ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अप्रसंग चल रहा है, तीन प्रभु है, सर्वपुरुष सर्वब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तीन है। अब सीधी भाषा में बताते हैं कि सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म कहो से ब्रह्म कहो, क्योंकि ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया उपमा से, लेकिन फिर अक्षर ब्रह्म कहना पड़ा, अक्षर पुरुष कहो। तो एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को दूसरे शब्दों में सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सर्वपुरुष जो है ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष है ये परब्रह्म है, और परम अक्षर पुरुष है ये परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे वो आपको संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा, तो उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष। इन दोनों के लोक में, इनके अंतर्गत तथा ये स्वयं सभी नाशवान है, जीव आत्मा सभी की अमर होती है, कुत्ते गधे से लेकर देवताओं तक भी आत्मा अमर है, लेकिन ये स्वयं नाशवान है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत ही कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुष माने परमात्मा, पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु, तो कोई और है, इन दोनों से कोई और है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, भिन्न है, और वही परमात्मा कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी वो ओवरऑल कंट्रोलर, वो मूल है, संसार रूपी वृक्ष की वो मूल है, जड़ है, जड़ से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। तो पुण्यात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो है पुरुषोत्तम। अब यहां थोड़ा शंका आ जाती है भक्तों के, 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता ये सर्वपुरुष है, ये सर्वब्रह्म है, ये क्या कह रहा है कि मैं जितने मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, चाहे वो जीवात्मा रूप में है या चाहे वो स्थूल शरीर में है, देवता तक है, इनसे मैं तगड़ा हूं, इनसे मैं श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, इसलिए लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, आई एम नॉट पुरुषोत्तम। ये कहता है कि मैं वास्तव में पुरुषोत्तम नहीं हूं, क्योंकि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, ये लोक तरमावि से विभर्ति अवै ईश्वर है। वो तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये खुद बोल चुका है कि पुरुषोत्तमता कोई अन्य ही है, और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को जो 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत प्रसन्न होकर के तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म से परिचित नहीं है, उसके कंप्लीट नॉलेज से वो परिचित नहीं है। अब यहां क्या बता रहे हैं कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में वो इसलिए कह रहा है कि मैं तो लोक वेद के आधार पर, जैसे ये ऋषि महर्षि और ये नकली गुरु जितने थे ये क्या कहा करते
पहले तो ब्रह्म विष्णु महेश को सुप्रीम पावर, फिर बताओ जो वेदों पर आधारित है वो कहते थे ब्रह्म सुप्रीम पावर। तो ये लोक वेद था, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था। इस लोक वेद के आधार से वो कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं पुरुषोत्तम लोक वेद के आधार से प्रसिद्ध हूं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक को बता दिया। तो प्रसंग तो चल रहा है पुणात्माओं, अब तीन प्रभु सिद्ध हो गए और हमारे पवित्र सदग्रंथ यही समर्थन दे रहे हैं, यही प्रमाण दे रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4, 16-17 में सर्वपुरुष कहो ते सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो ते अक्षर ब्रह्म कहो, और पुरुषोत्तम कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तीन प्रभु हैं। अब इस सर्वपुरुष अर्थात सर्वब्रह्म यानी काल ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं, और ये प्रत्येक ब्रह्मांड में एज ए मुख्यमंत्री रोल करता है, और इसके तीन पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये एक विभागीय मंत्री का रोल करते हैं। अन्य देवताओं को भी यहाँ पदवी दे रखी है, जैसे जल का देवता वरुण कहलाता है, धन का देवता कुबेर कहलाता है, वो अलग से बना रखे हैं, जैसे इंचार्ज बना दिया करते हैं आईएएस सत्र के अधिकारियों को, ऐसे समझो। तो ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। केवल एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक एक विभागीय मंत्री, ओनली एक ब्रह्मांड में। और इस अक्षर ब्रह्म के साथ शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख, और परम अक्षर ब्रह्म के वो ये है ओवरऑल कंट्रोलर, असंख्य जिनकी गिनती नहीं हो सकती। और वो परमात्मा कहाँ रहता है, वो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है, शाश्वत स्थान में रहता है। शाश्वत स्थान उसे कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो, निरंतर रहने वाला, सदा रहने वाला। और अविनाशी परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म भी उसी को कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तीनों नाशवान है। ये ब्रह्म गीता ज्ञान दाता, ये स्वयं भी नाशवान है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं, अर्जुन तेरे भी होते हैं, तुझे ज्ञान नहीं मुझे ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में यह स्वयं कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, ना ये सिद्ध पुरुष जानते हैं, ना कोई ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से ही जन्मे हैं, क्योंकि ये सबका जनक है। 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, इसने इन सब को यहां सथूल शरीर में जकड़ा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके पुत्र हैं, अन्य देवता भी इसी से, अन्य व्यवस्था से, जैसे आगे देवता और ऋषियों से इन्हीं का जन्म हुआ। तो ये कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये नहीं जानते, क्योंकि पिता की उत्पत्ति जन्म संतान नहीं बता सकती, लेकिन दादाजी बता देते हैं। तो उस दादाजी ने यानी सबके मालिक ने, सबके जनक ने, कबीर परमेश्वर जी ने आकर के ये सब की उत्पत्ति बताई है, इनकी जन्म और मृत्यु की सतीथि बताई है। और यही हमारे सदग्रंथ भी प्रमाण करते हैं, ये स्वयं भी स्वीकार करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत 3 स्कंद केवल हिंदी मोटा टाइप के प्रश्न नंबर 123 पर विष्णु भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि अपनी माता से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम आप ही से विद्वान हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। बताओ
और ये नकली कहा करते ये अजरो अमर है, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है। और शंकर भगवान भी खुद कहते हैं कि हे माता, यदि विष्णु जी भी आपसे जन्मे और ब्रह्मा जी की भी आप ही जननी, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपकी संतान नहीं? अर्थात मेरी भी माता तुम ही हो। अपनात्मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, और ये झूठे नकली गुरु वेद सदग्रंथों से अपरिचित लोक वेद सुनाने वाले कहा करते थे ये अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। उधर से ब्रह्म गीता ज्ञान देता है, देते हुए कह रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल सरपुरुष के मेरे और तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये इस पृथ्वी वाले लोक में ये दो भगवान हैं, दो प्रभु हैं, पुरुष माने प्रभु स्वामी। 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्म के सरपुरुष के और 7 संघ ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये सारे एक ही तत्व से बने हैं, इसलिए सारा एक लोक कहलाता है, एक टाइप का। लेकिन आगे विभाग है, जैसे पृथ्वी है ये पूरा एक लोक है और एक ही जैसा मटेरियल है इसके ऊपर, तो इसमें अपनी अपनी कंट्रीज ने बाउंड्री बना रखी है, वो अलग बात है। तो ऐसे ही 21 ब्रह्मांड की बाउंड्री इसकी है सरपुरुष की, और जो 7 संघ ब्रह्मांड है ये अक्षर पुरुष के, दोनों इस लोक में यानी इस पृथ्वी वाले लोक में जो पृथ्वी तत्वों से बने हुए हैं ये समझो। तो ये कहता है ये दो भगवान हैं, इन दोनों ही नाशवान हैं, ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत प्राणी भी नाशवान, केवल जीवात्मा सबकी अमर है। फिर इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा वो तो कोई अन्य ही है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। तो इससे ये अक्षर पुरुष भी नाशवान लेकिन परम अक्षर परम ये अविनाशी है, और वो कहां रहता है? तीसरे मुक्ति धाम में सतलोक में रहता है, वो शाश्वत स्थान है, सनातन परम धाम है। गीता ज्ञानदाता गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञान दाता स्वयं स्वीकार कर रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। 8वें अध्याय के 1 श्लोक का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में आपने कहा है वो किम तत्परम, तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञान दाता का परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, मेरा एक ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा केवल एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, और युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। कहने का भाव यह है कि ब्रह्म की साधना से, इस सर्वपुरुष की साधना भक्ति से, गीता ज्ञान दाता की भक्ति से शांति नहीं हो सकती, युद्ध भी करना पड़ेगा, और युद्ध करना पड़ेगा शांति तो गई बाढ़ में। तो यहां कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं, तेरी भी जन्म मृत्यु मेरी भी जन्म मृत्यु रहेगी और पहले भी हुई है। इसलिए 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते,
और उसी परमेश्वर की भक्ति करो, अन्य की नहीं, जिस परमात्मा ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी जो ओवर ऑल कंट्रोलर और सबका सृजनहार, वो उस परमात्मा की भक्ति करो। तो यहां 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर उसने दोहराया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये ब्रह्म कहां रहता है ब्रह्म लोक में? श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी मोटा टाइप के प्रश्न नंबर 562 और 63 पर श्री देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और कह रही है कि मैं केवल ब्रह्म को जानती हूं, ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान नहीं, उस ब्रह्म का ओम नाम है, ब्रह्म की भक्ति कर, वो ब्रह्म लोक में रहता है तो ब्रह्म लोक में चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणियों का भी जन्म और मृत्यु होता है। तो ये गीता ज्ञानदाता इसलिए स्पष्ट कर रहा है, यदि तुझे परम शांति यानी पूर्ण सुख चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के ये अंतिम श्लोक है, 61 से लेकर और 66 तक, आगे भी है 78-79 तक, लेकिन इनमें निष्कर्ष है। और गीता जी का निष्कर्ष निकाल कर दे दिया गीता ज्ञानदाता ने, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में तो स्पष्ट कर दिया कि यदि तूने शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि अर्जुन अब ये गुप्त से गुप्त ज्ञान गीता वाला मैंने तुझे दे दिया, अब इसको समझ कर जैसे तेरी समझ में आवे वो कर ले, जो तने ठीक लगे। मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, उठा हथियार, हो खड़ा और मार गद्दा गद। और उसकी शरण में जाना है तत्वदर्शी संत खोज ले। यदि उस परमेश्वर की शरण में जाना है जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होता, परम शांति प्राप्त होती है, वो उससे परिचित नहीं उस ज्ञान से। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया उन तत्वदर्शी संतों की खोज करके। अब यहां स्पष्ट कर दिया 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये गुप्त से गुप्त गीता वाला रहस्यमय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब तेरी समझ में आवे वो कर ले, मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में जाना है ये फैसला कर। और कहता है फिर 64वें श्लोक में तुरंत फिर कहता है कि एक और गुप्त से गुप्त बताता हूं कि मेरा पूज्य देव भी यही है जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस के बारे में मैं कह रहा हूं, ये मेरा भी इष्ट देव है। इष्टम असी बेदर्ढम, यह मेरा भी पक्कम पक्का पूज्य देव है। और परमेश्वर स्वयं आकर कहते हैं गोरखनाथ जी को, कबीर साहब कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये भी धरता ध्यान हमारा, ये भी हमारी पूजा करता है, लेकिन जैसे ये करता है उसी हिसाब से इसको हम ही देते हैं भक्ति शक्ति, जो थोड़ा बहुत ये गुजारा इसका चल रहा है 21 ब्रह्मांड का। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में पढ़ा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा की उधारते ये लोक चरम अविशति अवय ईश्वर, यानी श्रेष्ठ परमात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु तो कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो मूल रूपी भगवान है। 15वें अध्याय के 1 में से लेकर 4 में यही प्रमाण है कि ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म है, जड़ यानी सब प्राणियों को जिससे आहार प्राप्त होता है, जिसे शक्ति प्राप्त होती है, जिसे भक्ति प्राप्त होती है, तो यहां भी वो खुद कहता है कि मेरा भी वो पूज्य देव है। अब 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, नो डाउट तू मुझे ही प्राप्त होगा, बिल्कुल जहां आशा तहां वासा हुई
मन कर्म वचन सुमरियो सोई, परमात्मा भी कहते हैं। और गीता जी ध्यान बराठ के श्लोक नंबर 6 में ये गीता ज्ञानदाता भी कह रहा है कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं कि जहां आशा तहां वासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, जिसमें आपकी आस्था रहेगी वहीं तेरा निवास होगा, वहीं तेरा जाना होगा। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में ये फिर कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर और मुझ में मन वाला हो, मुझ में भावित रहे, अन्य देवताओं की पूजा भी त्याग दे, उस कुछ नहीं करना, तो नो डाउट निसंदेह तू मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर कंसेप्ट क्लियर कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, यदि तूने उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पाप विभव मोक्षामि मा शोच। यदि तूने उस परमेश्वर की परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जाना होता है, इन अनुवादकर्ताओं ने ज्ञानियों ने आना कर दिया, ये गलत कर रखा है, अनर्थ कर दिया इन्होंने। तो ये कहता है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे 70 की जो पूजाएं हैं वो धार्मिक जितनी क्रियाएं हैं वो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे 70 की सभी पूजाएं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधा समर्थ है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, 3 मंत्र की, ओम तत् सत और नथिंग एल्स, निर्देश करते फाइनल फैसला, अग्रम मग्रम नहीं, ओम तत् सर पुरुष का और ये तत् सांकेतिक का, ये अक्षर पुरुष का और सत ये भी सांकेतिक कोड वर्ण है, ये परम अक्षर पुरुष का, इन सब का मंत्र है, इनकी मजदूरी है, कमाई करनी है इनके हमें, और इस भक्ति की कमाई से बल से हम सतलोक जाएंगे। तो ये कहता है कि मेरे 70 की जो ओम नाम की जाप तू करेगा, ओम तो ब्रह्म का जाप है, तो ये सब मुझे त्याग देना, हम क्या करते रहे अभी तक, ये ऋषि महर्षि अनजान पड़े में ब्रह्म साधना करके ओम नाम का जाप जप कर ब्रह्म लोक में चले गए, वह महास्वर्ग है उसमें बहुत ज्यादा बकवादे हैं, और अपने ही पूंजी को वहां नष्ट करके और खाली होकर फिर पशु योनियों में आ गए। हम ओम नाम की कमाई यहां बर्बाद करते रहे इसके रेस्टोरेंट में। अब ये कहता है कि तू मेरी ये कमाई मुझे दे दे, इसका बेनिफिट ना लेना, फिर उसकी शरण में जा, फिर मैं तुझे यहां गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाऊंगा, अपने बंधन में नहीं रख सकता, तू फ्री हो जाएगा। तो पुण्यात्मा वो परमेश्वर कबीर देव जी पूर्ण ब्रह्म हमें यही बताने आए हैं, यही बताने आते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82-82 के मंत्र 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16-21 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, और भी अनेक स्थानों पर यह प्रमाणित किया गया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा है वो सतलोक में तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी नेक आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है, फिर वो संत जो है परमात्मा की महिमा को अन्य को सुनाते हैं। उनमें से किन किन महापुरुषों को परमेश्वर मिले, कलियुग के अंदर आपको उदाहरण देते हैं, सतयुग त्रेता थर याद नहीं होंगे। अब कलियुग में आदरणीय धर्मदास साहिब जी उस नेक आत्मा को परमेश्वर स्वयं आकर मिले, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और आदरणीय मलुकदास जी अरोड़ा थे, खत्री थे जाति से, उनको आकर के परमेश्वर स्वयं मिले। आदरणीय दादू साहेब जी को
वो परमेश्वर स्वयं परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म स्वयं गति करके सचखंड से सतलोक से शाश्वत स्थान से आकर के वहां उनको मिले, उनसे ज्ञान से प्रीत करा। आदरणीय नानक साहेब जी को उस नेक आत्मा को सतपुरुष पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर मिले, उनको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। फिर उस महापुरुष ने ढोल के डंके पर उस परम पिता की परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया। आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुटानी जिला जजर हरियाणा के अंदर वो परमात्मा स्वयं आकर उनको मिले खेतों में जंगल में, जब वो गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे।